घड़ी की तुम हार दो शान यान खान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उधार दो है प्रचंड तुल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो शान यान खान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उधार दो है प्रचंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार SSL 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में एक बड़ी प्यारी सी जबरदस्त सी क्लास में, जिसमें कि हम बातें कर रहे हैं अपनी idioms एंड phrases पर और उन सेलेक्टेड idioms एंड phrases पर जो कि अभी 2023 यानी रिसेंटली SSC के द्वारा पूछे गए हैं, यानी कि जो अभी कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे या कैंडिडेट्स हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के एग्जाम में जो idioms एंड phrases आए थे, उन सभी idioms एंड phrases पर हम बातें कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त सा, बड़ा प्यारा सा सेशन होने वाला है, तो जल्दी से आप सभी आ जाइए, फिर मैं अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करता हूं। और कल SSC ने वो करके दिखाया कि जो अभी तक नहीं हुआ था, SSC ने 2023 वाली वैकेंसी का 2023 में रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। अब तो मेरे भाई कहीं ना कहीं जाग जाओ, अगर अभी भी नहीं जागे ना भाई, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं कर क्या रहा हूं और मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं करना क्या चाहता हूं। जब ये तीनों क्वेश्चन आपको जो है ना, आप खुद से करेंगे और जब आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिलेगा, तब आपको अपनी असली असलियत जो होती है, रियलिटी से आप वाकिफ हो पाएंगे। तो इसलिए लग जाओ मेहनत पर, मैं आपके साथ हूं, 100% आपका साथ निभाऊंगा, किसी भी कीमत पर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और इंग्लिश में 1% भी दिक्कत है आपको नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। कल लगभग 8000 प्लस स्टूडेंट्स जो इंस्पेक्टर बने, 8000 प्लस स्टूडेंट्स की जो बेरोजगारी है वो खत्म हो गई। और मैं वास्तव में कह रहा हूं दोस्त, अगला जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका भी नाम आ सकता है यदि आपने मेहनत कर ली, यदि आने वाला जो कुछ समय है इसको तरीके से जी लिया, कमांडो वाली जिंदगी जी ली। कमांडो वाली जिंदगी का मतलब है एक शेड्यूल में आपने अपने आप को ढाल दिया, तो थोड़ा सा टाइम टेबल में आ जाओ भाई, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके मतलब एक तरीके से सामने पड़ी हुई हैं, बस आप उनमें से किसी एक को टारगेट करके जम के मेहनत कर लो यारो, 100% सिलेक्शन है। डेली शाम का टाइम 5 से 6 आपके लिए है, बहुत जल्दी मैं इसको चेंज करके मॉर्निंग में लेकर के जाने वाला हूं, जिससे कि आपको और बढ़िया में चीजें क्लियर कर सकूं। और डेली नाइट में जो हमारा दी 11 मिनट शो है, उसको मैंने आज से कंटिन्यू फिर से किया है, कल भी किया था लेकिन कल किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आवाज नहीं आई तो वो मुझे हटाना पड़ा। आज फिर से मैंने उसी शो को दोबारा से रिकॉर्ड किया और आज मैंने चेक किया, आवाज वगैरह सब फिट फॉर है भाई, ठीक है। जल्दी से आओ, जितने बच्चे अपने आप से वादा कर चुके हैं कि 2024 में जो एग्जाम होगा CGL का या जो भी SSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उसमें मैं अपना सिलेक्शन श्योर कर चुका हूं, सर मुझे होना ही होना है, हर हालत में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में मुझे आना ही आना है। वो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आई एम अ विनर, जल्दी से मेंशन कर दो बेटा आई एम अ विनर, फिर मैं ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत करूंगा। आज आप देखना मेरी एनर्जी क्या एक तरीके से किस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि यार अगर अभी भी सिलेक्शन नहीं लिया गया बच्चे पे तो फिर बेटा मामला खराब है। जल्दी से बेटा जो जो बच्चे अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में लाना चाहते हैं और जो अपने आप से वादा कर चुके कल के रिजल्ट को देखने के बाद, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आई एम अ विनर, फिर मैं अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा। और जल्दी से एक बार इस वीडियो को भी शेयर करो अच्छी खासी संख्या में बेटा, लाइव आ जाओ, फिर मैं कर दूंगा अपनी क्लास की शुरुआत। बेटा एक बार सारे दोस्त शेयर कर दीजिए इसको, जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक बार स्टेटस लगा कर क्या हो, ताकि एक बार सभी तक हम पहुंच जाए, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ। वेरी गुड, रागिनी, कमलेश, सौम्या, विनोद, मोनालिसा, विपुल, रविकांत, निधि, भारती साहू, सभी बच्चे आ चुके हैं, वेरी गुड बेटा। नितिन कुमार, राधे राधे बेटा, राधे राधे, आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आओ, स्टेटस वगैरह लगा के आओ इस वीडियो का। देखो इतना तो बनता है यार, देखो सपोर्ट तो बनता है, आपके बिना हम व्यर्थ है, वही बात है कि
तुम शब्द हो हम अर्थ हैं, तुम बिन हम व्यर्थ हैं। तो ये सारी बातें जो यहीं पर लागू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, कल मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे idioms क्लियर किए थे 2023 वाले, तो कुछ रिविजन कर ले क्या? क्या कहते हो मेरे भाई, रिविजन कर ले? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच बेटा। सर 5 बजे वाला ही टाइम रखो बेटा, देखता हूँ मैं, बता दूंगा आपको जो भी होगा। अभी तो कुछ समय तक 5 बजे का ही टाइम रहेगा। गुरप्रीत सिंह अपने साथ जुड़ गया, स्वागत है बेटा, स्वागत है। राधे राधे, यू ऑल आर विनर्स, बिल्कुल आओ। लिली वर्ड कल पढ़ाया था, एक कायर व्यक्ति को बोलते हैं, यानी नोट ब्रेव। क्या हो जाएगा आपका? नोट ब्रेव। नेक्स्ट, टाइड हरसेल्फ या वन सेल्फ अप इन नोट्स, यानी खुद ही कंफ्यूज हो जाना, उसे बोलते हैं टाइड वन सेल्फ या हरसेल्फ इन नोट्स। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा दिया था। टुक्की के द बकेट, यानी भैया हाँ, यानी कि भैया मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना। और ध्यान रखना है कि यहां से क्वेश्चन निकलता है टू पास द बकेट, इसको भी ध्यान रखो कि तो किक द बकेट होता है, एक होता है पास द बकेट, ये भी ध्यान रखो। टू पास द बकेट, टू पास द बकेट, पास द बकेट का मतलब होता है आरोप मढ़ना। जैसे गलती मेरे से हुई और मैंने पूरा पूरा आरोप मढ़ दिया कि भाई बच्चों गलती थी, बच्चे पढ़े नहीं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट आता है वो टीचर का रिजल्ट, मतलब एक बच्चे का रिजल्ट नहीं होता सिर्फ, वो टीचर का भी रिजल्ट होता है, वो टीचर को भी जो बच्चे से ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक है जी। तो बस, तो टू पास द बक, यानी कि टू पास द बकेट या टू पास द बक भी दिया गया है कई जगह पर इस idiom को, तो इसका मतलब होता है आरोप मढ़ना, ठीक है जी। क्या होगा? आरोप मढ़ना। चलिए नेक्स्ट पाता हूँ जी। मिस द बोट, अच्छा खासा अवसर गवा देना, समझ सकते हैं आप। क्या होगा? मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आ गया टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि भाई रिस्क लेना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि रिस्क लेना। विपुल सर, आपकी बुक मेरे पास पहुंच गई है और बुक बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम जी, वेलकम। आप अपने दोस्तों तक भी बताइएगा, दोस्तों को भी कहना भाई कि वो ले, ताकि मुझे अच्छा लगे। चलिए, द पुलिस हैव नोट, ये मैंने बताया था आपको, इसका क्या होगा बेटा जी? आपका हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक डिफिकल्ट टास्क होना। इन अ नटशेल, यानी संक्षिप्त में होना। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि जबान संभाल कर बात करना, अपना व्यवहार सुधारना। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ का सिंपली मीनिंग क्या होता है? जबान संभाल कर बातें करना, अपना व्यवहार सुधारना। और इन अ पिंक, यानी हेल्दी। इन अ पिंक का मतलब क्या होता है बेटा? हेल्दी। जब कोई इंसान हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, तो उसे बोलते हैं इन अ पिंक। चलो जी, ये मैंने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट पे बेटा शार्प प्रैक्टिस, यानी कि जब आप बेईमानी से कोई काम करते हैं तो डिसऑनेस्टली हो गया। और इसी प्रकार से मेड अ बिग फुश अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इट सिंपली मीन्स दैट अ स्टोन इन अ टीकप, यानी कि टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, राय का पहाड़ बनाने को हम क्या बोलते हैं? टू मेक अ बिग फिश अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम इज सो कॉल्ड अ स्टॉर्म इन अ टीकप, अ स्टॉर्म इन अ टीकप। चलो जी, और आगे आगे रूल द रोस्ट, यानी मुखिया होना, अरे बेताज बादशाह होना, समझ रहे हैं? बेताज बादशाह होना यानी कि रूल द रोस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। कीप समवन एट एन आर्म लेंथ, थोड़ी सी दूरी बना करके रखना, यानी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने देना किसी को, पढ़ा चुका हूं ये सब। और स्क्रैप द बैरल, यानी कि सबसे लास्ट ऑप्शन पर चले जाना, सबसे लास्ट ऑप्शन पर जाना कि भाई अब यार ये सबसे गंदा ऑप्शन है और मुझे लास्ट में यही चुनना पड़ेगा। तो जो सबसे लास्ट और सबसे गंदा घटिया ऑप्शन है, अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमारा क्या आता है बेटा? स्क्रैप द बैरल। क्या आता है मेरे भाई? स्क्रैप द बैरल। चलिए और आगे मूव किया। अ डाइम अ डजन, यानी कि एकदम साधारण। अ डाइम अ डजन, बिल्कुल साधारण, जिसके अंदर कोई मजा ही ना हो, उसे बोलते हैं अ डाइम अ डजन। क्या बोलते हैं बेटा जी? अ डाइम अ डजन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यहां पर एक पूरे सेंटेंस के अंदर इन्होंने ऑप्शन सेट किया था, कल अच्छे से पढ़ा चुका हूं। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। जब आप किसी को ना तो एग्जैक्ट अपनी आइडिया बता रहे हैं, ना अपना कोई पोजीशन दे रहे हैं, घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। क्या बोलते हैं बेटा? बीट अबाउट द बुश। और आगे मूव किया मैंने, मैं नेक्स्ट पे आ गया हूं। बैक अगेंस्ट द वॉल, बहुत अच्छा है बेटा। बैक अगेंस्ट द वॉल यानी एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहां से बचना बड़ा मुश्किल है। कल पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? कल का ही रिवीजन करा रहा हूं। बैक अगेंस्ट द वॉल यानी कि बेटा एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहां पर बचना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी सी दीवार है और तुम उसके पीछे खड़े हुए हो और भूकंप आ रखा है, तो ये क्या हो गया? बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी कि तुम उस दीवार के पीछे खड़े हो जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो यानी कि एक ऐसी मुश्किल स्थिति जहां से बचना बड़ा मुश्किल है। डन।
चलो जी और आगे मूव करता हूं, ये लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। टू प्राइम द पंप, बड़ा अच्छा सा idiom था, टू प्राइम द पंप, क्या idiom बेटा जी आपके सामने, टू प्राइम द पंप, जल्दी बताओ क्या बोलोगे, टू प्राइम द पंप, यानी कि किसी को एनकरेज करना कुछ अच्छा करने का, भाई मैं पंप कर रहा हूं यार, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आई एम ट्राइंग टू प्राइम द पंप, आई एम ट्राइंग टू प्राइम द पंप, मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रहा हूं कि बेटा कुछ करो करो करो, ये चीजें हो गई। चले सर आपके वोकैब का नया बैच है बता दीजिए प्लीज। हाँ बेटा अजय कुमार, अभी 24th of November से शुरू हुआ था और उसमें क्लासेस मेरी कल से शुरू हुई हैं, तो बिल्कुल फ्रेश बैच है, सीजीएल सीएचएसएल फाउंडेशन, आप उसमें आ जाइए। आगे मूव करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट बेड आयरन, बेड आयरन यानी लोहा भी बेकार है यार, सोचो आपने लोहा खरीदा कि लोहा अच्छा निकलेगा, लेकिन आपका तो लोहा भी खराब निकल गया, इसका क्या मतलब है कि आपका लक खराब है, तो बेड लक, क्या हो गया बेटा जी आपका बेड लक। चलिए और आगे मूव करता हूं, नेक्स्ट आपसे कह रहा है, ये कह रहा है स्वीटी हैज बीन ब्लैंक सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज, कि जो स्वीटी है ना भैया वो बड़ी खुश रहने लगी जब से उसकी पेंटिंग ने पहला प्राइज जीता। तो जब इंसान बिल्कुल खुश होना बहुत ज्यादा चिल हो मूड में, तो उसे बोलते हैं बेटा जी क्या, वॉकिंग इन द एयर, क्या बोलते हैं, वॉकिंग ऑन एयर, हवा में होना या फिर सातवें आसमान में होना, गांव देहात में बोलते हैं ना कि आजकल ये सातवें आसमान में, ये आदमी को आदमी नहीं कह रहा, इसके पास जब से पैसे आए, जब से इसकी सरकारी नौकरी लगी है, तो बस ऐसे याद रख लो कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, सुपर एक्साइटेड हो, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग ऑन एयर। नेक्स्ट बाय द स्किन ऑफ टीथ बाल बाल बचना, क्या मेरे भाई बाल बाल बचना, तो बाल बाल बचने को क्या बोलते हैं, बाय द स्किन ऑफ टीथ या बाय अ व्हिस्कर, इसके लिए एक idiom और पढ़ाया था बाय अ व्हिस्कर, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, थ्रो थिक एंड थिन, यानी हर एक परिस्थिति में, कभी सुख में कभी दुख में, ठीक है ना बेटा, हर एक दिन सेम थोड़ी ना होता है, हर दिन सेम नहीं होता, सुख और दुख को क्या बोलेंगे, तो इन गुड टाइम एंड इन बैड टाइम्स। चलो जी और आगे मूव कर लेते हैं और याद करते हैं जल्दी जल्दी, इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज याद कर रहे हो बेटा जी, idiom कल पढ़ाया था, अरे याद करो बेटा जी मेरे साथ में याद करो दोस्त, तभी मजा आएगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो क्या बोलोगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का, तो सिंपली आ गया व्हेन अ सिंपल सिचुएशन सॉल्व क्विकली, तो क्या होगा इसका आंसर, कि जब आपको कोई चीज ऐसी दिखाई दे कि शुरुआत में तो गलत लगी लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट फॉलिंग फाउल, तो फॉलिंग फाउल का मतलब होता है बेटा झगड़ा करना, फॉलिंग फाउल यानी कि भाई झगड़ा करना, किसी से लड़ाई लड़ना, चलो जी इसका आंसर तो बेटा क्वेरलिंग भी, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट इन टू माइंड्स यानी अनिश्चय की स्थिति, दो मन होना, बोलते हैं ना कि यार मेरे दो मन हो रहे हैं, उससे शादी करूं ना करूं, पापा जी तो कह रहे हैं उससे शादी कर ले और मेरा मन हो रहा है उससे शादी कर लूं, तो ये क्या हो गया, टू बी इन टू माइंड्स, क्या हो गया, टू बी इन टू माइंड्स, जब आप अनिश्चय की स्थिति में आ जाए, आप डिसाइड ही ना कर पाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसे बोलते हैं दोस्त क्या, टू बी इन टू माइंड्स, यानी कि क्या हो गया, टू बी अनसर्टेन, क्या होगा आपका, टू बी अनसर्टेन, ध्यान रखिए ऑप्शन मैंने कल भी कहा था, टू बी अनसर्टेन। नेक्स्ट गिफ्ट ऑफ द गैप, जब बोलने की बड़ी अच्छी कला आती हो किसी को, जैसे हमारे अतुल अवस्थी सर हैं, अतुल अवस्थी सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है, आप सभी अच्छे से क्लास लेते होंगे, रीजनिंग के सुपर स्टार हैं हमारे, तो बड़ा प्यारा बोलते हैं यार, मतलब मन करता है कि अतुल अवस्थी सर के पास ही बैठा रहूं, वो इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, अक्सर गाइड भी करते हैं बड़े भाई के रूप में, तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या हो गया बेटा, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, क्या हो गया दोस्त हमारा, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, जब स्पीच में बड़ी फ्लुएंसी हो, बड़े प्यारा बोलते हो इंसान, तो उसे बोलते हैं बेटा गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या बोलते हैं बेटा मेरे, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट आगे गेट इन टू अ स्क्रैप, तो गेट इन टू अ स्क्रैप का सीधा सा मतलब हो गया क्या भैया, आपको हो गया बेटा इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, जब आप किसी परेशानी में फंस जाए तो उसे बोलते हैं गेट इन टू अ स्क्रैप, क्या बोलेंगे मेरे भाई, गेट इन टू अ स्क्रैप, बेटा रिविजन करा रहा हूं अभी, कभी परेशान हो जाओ, कल का पहले रिविजन कराऊंगा तब आगे बढ़ूंगा, मेरा टारगेट है पूरी शिद्दत से बेटा आपको एक एक चीज याद कराऊंगा। नेक्स्ट है मेरे भाई सैक्सोफोन, तो यहां मैंने पढ़ाया था सैक्सोफोन, बताया था ना एक बाजा होता है नीचे टेबल सिर के ऊपर पीतल का बाजा सा निकला रहता है, पुराने जमाने में होता था ना, चलो जी वो हो गया। फ्लूट बेटा बांसुरी, लायरी क्या होता है बेटा वीणा, माँ सरस्वती जो बजाती है वो वीणा है। ट्रम्पेट और वॉयलिन, वॉयलिन भी समझ सकते हैं आप, तो ट्रम्पेट ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, यानी कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, जब एक इंसान अपनी प्रशंसा स्वयं करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, यानी कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, डन 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 डन। हाँ जी ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, अब जैसे आपको ब्लो समथिंग आउट ऑफ, यहां से शायद आज शुरू होगा, हाँ यहां से भैया आज बातें शुरू होने वाली हैं हमारी, क्या कहते हो बेटा जी, आज हमारी यहां से बातें शुरू होंगी, चलो बताओ क्या कहोगे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आ गया 26, यहां से आज बातें शुरू करूंगा, बताओ बताओ 26th आज का हमारा फर्स्ट idiom जो हम सीखने जा रहे हैं,
दैट इज अवर ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन, क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ा अच्छा सा आइडिया है भाई। देखो मेरी क्लास में अगर आप आए हो तो एक से एक प्यारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेहनत कराऊंगा, मेहनत करूंगा, ठीक है ना? क्या कहते हो? तो बेटा देखो, ब्लो समथिंग, देखो ब्लो वन साउंड ट्रम्प्ट हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपनी मुंह में मिट्टू बनना हो जाता, लेकिन यहां पर है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, यानी जितनी आपने संभावनाएं ली उससे, मतलब जो चीज जितनी बुरी है ना, अगर उससे ज्यादा आप दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है आपका ईडीएम वो है बेटा जी आपका आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि जितना आपने सोचा था, जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आप उसे वर्स पाते हैं या फिर वर्स दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसे बोलते हैं कई बार ब्लो समथिंग, तो लो मतलब आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, यानी संभावनाओं से परे, जो आपने सोचा ही नहीं अगर वो कुछ ऐसा हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक है, चलिए जी और आगे मूव करता हूं। टू गो टू द डॉग्स, हाँ जी, टू गो टू द डॉग्स क्या कहोगे? टू बिकम वर्स, टू स्टैंड ऑन गार्ड, टू विन सपोर्ट, टू विन अ रेस। अब बेटा रेस से मुझे एक बड़ा अच्छा आइडियम याद आया, जल्दी मुझे बताना। रेट रेस, एक ईडीएम होता है बेटा रेट रेस, बताओ क्या होता है रेट रेस? हाँ जी, ईडीएम होता है बड़ा अच्छा सा रेट रेस, क्या कहेंगे? बड़ा प्यारा सा ईडीएम है रेट रेस। और एक ईडीएम मुझे और भी याद आ गया, ऑल अगोग, ऑल अगोग, बताओ ऑल अगोग का मीनिंग क्या होगा? दो ईडीएम पूछा हूं, दोनों का आंसर बताना, देखता हूं कौन बच्चा आंसर करेगा। ऑल अगोग, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बच्चा आंसर कर पाएगा। हाँ जी बताओ जल्दी से बेटा जी। हाँ जी, ऑल एगोग क्या होगा बताओ जल्दी से। वेरी गुड, राहुल बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। रेट रेस का मतलब होता है वेरी टफ कंपटीशन या फिर कट थ्रोट कंपटीशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता। ठीक है जी, ये तो होता है बेटा आपका रेट रेस। और ऑल एगोग वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, इट्स मीन्स वेरी एक्साइटेड, यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, यदि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है तो उसके लिए हम क्या आइडियम लेकर के आते हैं? ऑल एगोग। क्या लेते हैं बेटा जी उसके लिए? हम लेते हैं ऑल एगोग। और रेट्रेस यानी गला काट प्रतियोगिता। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिला? टू गो टू द डॉग्स, यानी आपने किसी चीज को कुत्तों के बीच में डाल दिया, यानी कि भैया बर्बाद कर दिया या फिर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, तो उसे बोलते हैं बेटा टू गो टू द डॉग्स, यानी बर्बाद होना। तो टू बिकम वर्स, टू बिकम वर्स यानी बदतर होना। वर्स तो जानते हैं ना आप सभी भाई, एक तो गुड होता है, आप सभी गुड से समझते हैं, गुड की कॉम्परेटिव क्या है बेटा? बेटर। और बेटर की सुपरलेटिव आप क्या बना देते हैं? बेस्ट। लेकिन मैं कह दूं कि बुरा, बुरे क्या बोलेंगे? बैड, या फिर आप बोल सकते हैं इविल। अब मैंने बोला और बुरा, तो और बुरे क्या बोलेंगे आप? वर्स। और वर्स को सुपरलेटिव क्या कर देंगे? वर्स्ट। तो आपने बोला टू बिकम वर्स यानी और बुरा होना। ठीक है, टू विन सपोर्ट गलत बात है भैया, सपोर्ट प्राप्त करना गलत हो गया। ठीक है, तो इसके लिए टू विन सपोर्ट के लिए एक idiom होता है विन लॉरल्स, विन लॉरल्स, एल ए यू आर ई एल एस, लॉरल्स, इसका मतलब होता है बेटा विन सपोर्ट। जब आप लोगों का सहयोग जीत पाओ तो उसे बोलते हैं टू विन लॉरल्स। ठीक है, टू बिकम वर्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बेटा जी बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ रहा हूं, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, बड़ा अच्छा सा idiom भाई, बताओ। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, क्या कहेंगे आप ईडीएम के बारे में? हाँ जी, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, क्या कहेंगे? सोच करके आंसर दीजिएगा, बताओ। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, लीव अ वर्क अनफिनिश्ड होगा, स्टार्ट ओवर होगा, अकॉम्प्लिश अ टास्क होगा, मेडिटेट अ टास्क होगा, क्या कहने वाले हैं आप? तो आपको यहां याद रखना होगा, गो बैक टू द बोर्ड का सिंपली मीन होता है कि किसी कार्य को पुनः प्रारंभ करना। आप दोबारा से अपने बोर्ड पर गए, ड्राइंग बोर्ड पे, कि जहां पे आप पेंटिंग बनाते हो, और आप दोबारा वहीं पे गए और आपने फिर से एक पेंटिंग बनाई, आपने जो फिर से एक पेंटिंग बनाई, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि पुनः प्रयास करना, दोबारा से स्टार्ट करना। तो स्टार्ट ओवर, परफेक्ट आंसर विल बी स्टार्ट ओवर। क्या आंसर होगा बेटा? स्टार्ट ओवर। मेडिटेटर टास्क नहीं होगा, मेडिटेट यानी कि किसी चीज को लेकर के चिंतित होना, जिसको हम पोंडर भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉम्प्लिश अ टास्क नहीं होगा दोस्त। ठीक है, लीव अ वर्क अनफिनिश्ड बिल्कुल नहीं होगा, लीव अ वर्क अनफिनिश्ड को बोलते हैं कॉल इट अ डे।
क्या आइडिया आता है इसके लिए, कॉल इट अ डे, जब आप किसी काम को आज के लिए आगे टाल दे, जैसे मैंने बोला कि अभी नहीं यार, आज इस क्लास को रात को 9 बजे लूंगा, तो ये क्या हो गया, लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, मैंने इस काम को कैसे छोड़ दिया, अनफिनिश्ड बोल दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, कॉल इट अ डे, क्या होगा बेटा जी मेरा, कॉल इट अ डे, और कॉल इट अ डे की जगह अगर मैंने कर दिया कैरी द डे, क्या कर दिया बेटा, कैरी द डे, तो कैरी द डे को भी ध्यान रखना, कैरी द डे का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल यानी कि सफल होना, क्या होता है बेटा, सफल होना, सफलता प्राप्त कर लेना, कैरी द डे, समझ रहे, योर मेन टारगेट इज टू कैरी द डे, इट्स मींस कि आप सभी क्या चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, और अगर मैंने कैरी द डे की जगह मैंने लिख दिया रेड लेटर डे, क्या लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया आपके सामने रेड लेटर डे, तो रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी मेमोरेबल डे, जिस दिन को आप पूरा जीवन याद रखें, जैसे कि जिस दिन आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो दिन आपके लिए वास्तव में पूरा जीवन भर याद रखने योग्य दिन होगा, समझ रहे, तो रेड लेटर डे यानी कि यादगार दिन, यादगार लम्हा, कैरी द डे सफल होना, और कॉल इट अ डे यानी उसी दिन के लिए आगे के लिए स्थगित कर देना, सेम डे के लिए अगर आपने कोई काम छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया, तो वो होता है बेटा कॉल इट अ डे, और कैरी द डे सफल होना, विजयी होना, ठीक है, और रेड लेटर डे सबसे बढ़िया दिन, और यहीं से एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, रेनी डेज, क्या मेरे भाई, रेनी डेज, रेनी डेज का मतलब होता है दुख के दिन, दुख के दिन, जैसे अभी हमारे सभी के चलते हैं, हमारे तो क्या मतलब, हर एक स्टूडेंट की जो स्ट्रगल टाइम होता है वो अपने आप में उसका रेनी डेज होता है, जिसमें स्टूडेंट अकेले में रोता है, समझ रहे, तो वो क्या रेनी डेज है, दुख के दिन है भाई, बात समझ में आ गई, सारे के सारे वर्ड्स आप क्लियर क्या करो, एक ईडियम से अगर आप 6 ईडियम बना सकते हो यानी आपके ईडियम्स ठीक है, अच्छे आपने प्रिपरेशन की हुई है, और नहीं बना पा रहे तो भाई फिर तो कोई मतलब नहीं, एक से एक अगर आप याद कर रहे बेटा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है जी, चलो जी, तो रेनी डेज बेटा दुख के दिन, रेड लेटर डे एक ऐसा दिन जो पूरा जीवन भर याद रहे, कैरी द डे सफल होना, और कॉल इट अ डे बेटा जी उसी काम को किसी मतलब सेम काम को टाल देना, थोड़े समय के लिए टाल देना, ठीक है जी, और वर्ड क्या था, टू बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड यानी कि भैया दोबारा से कार्य को प्रारंभ करना, नेक्स्ट इन ट्रबल, सिंपल है यार, इसमें टाइम मत लेना, इन ट्रबल को क्या बोलोगे बेटा, अ डेविल्स एडवोकेट, ऑफ बेस, द लॉयंस शेयर, या फिर आप क्या बोलेंगे, अप टू द क्रिक, हाँ जी, आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ आई डोंट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर, ठीक है भाई, हाँ बताओ जल्दी से क्या कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या कहेंगे, हाँ जी बेटा जी, हाँ जी, हाँ जी, आई एम गोइंग टू बी, तो अप द क्रीक, अप द क्रीक का मतलब होता है परेशानी में होना, परेशानी में चले जाना, टू बी इन ट्रबल, क्या आएगा मेरे भाई, अप द क्रीक का मतलब होता है इन ट्रबल, समझ रहे, इसके लिए भी कई idiom हमने बनाए हुए, जैसे अप द क्रीक बोल दो, या फिर आप इसी को बोल दो आ फिश आउट ऑफ वाटर, आ फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी हम इसके लिए ले सकते हैं, आ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि बेचैन चिंतित, समझ रहे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि बिटवीन द डीप सी और बिटवीन अ डेविल और अ डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, तो ये भी आप बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना इन ट्रबल के लिए एक बड़ा अच्छा सा आपको एक idiom मिला, अप द क्रीक, क्या हो गया बेटा जी, अप द क्रीक यानी कि परेशानी में होना, अप द क्रीक यानी कि परेशानी में होना, बोलो मेरे साथ अप द क्रीक यानी कि परेशानी में होना, भाई आपको देखने वाले लॉयंस शेयर यानी लार्जेस्ट शेयर, जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे बोलते हैं लॉयंस शेयर, लार्जेस्ट शेयर या फिर लार्जेस्ट पार्ट, ऑफ बीट यानी कि भैया अनोखा, ऑफ बीट क्या होता है, ऑफ बेस कह दो या ऑफ बीट कह दो, ये बोलते अनोखा, अनेको क्या बोलते हैं, वायर्ड, क्या बोलते हैं मेरे भाई, वायर्ड बोलते हैं आप, बिजारे बोलते हैं, ठीक है, आप इसी को एसेंट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसी को, एसेंट्रिक बोलते हैं आप इसी को, पेक्यूलियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसी को, पेक्यूलियर बोल देते हैं, ठीक है, तो ये सभी के सभी वर्ड्स किसके लिए आते हैं, ऑफ बेस के लिए भी आते हैं, ऑफ बीट के लिए भी आते हैं, और अ डेविल्स एडवोकेट यानी कि गलत सलाह देने वाला व्यक्ति, अ डेविल्स एडवोकेट गलत सलाह देने वाला व्यक्ति, तो आंसर विल बी अवर अप द क्रीक, क्या हो जाएगा आपका, अप द क्रीक, चलिए आगे मूव कर रहा हूं, ऑन द बॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा मेरे, ऑन द बॉल, बताओ जल्दी से क्या कहेंगे, सिंपल है, ऑन द बॉल, डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक और कॉम्पिटेंट मैनर, प्लेइंग विद अ बॉल, एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल, हाँ जी क्या कहेंगे, ऑन द बॉल, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा idiom, बताओ जल्दी से, ऑन द बॉल, हाँ जी ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, बड़ा सिंपल सा यार, बताओ जल्दी से क्या कहने वाले, ऑन द बॉल, शायद आपने सुना तो होगा भाई,
और अभी मैंने पढ़ा था बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द वॉल याद आ रहा है, बिहाइंड द वॉल यानी कि एक ऐसी परेशानी माना जिससे बच पाना मुश्किल है। लेकिन अब मैंने आपसे पूछा ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, वेरी गुड, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट आंसर सही आ गया, सभी आंसर बी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बी, यानी कि जब आप किसी काम को बड़े तरीके से, तजबीज से करें, अच्छे से करें और कॉम्पिटेंट मैनर में करें, यानी कि निपुणता के साथ और रेगुलरिटी के साथ अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑन द बॉल। क्या बेटा जी, ऑन द बॉल। अब इसकी ट्रिक पढ़ाता हूं। हम सभी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में सब कुछ किस पे टिका हुआ है, ऑन द बॉल। अगर मैं आपसे कह दूं क्रिकेट पूरा पूरा किस पे टिका हुआ है बेटा, बॉल पे। अगर वो बॉल विकेट में जा लगी तो आउट, बॉल बाउंड्री पे जा लगी तो फोर, बाउंड्री के ऊपर से निकल गई तो सिक्स, कैच हो गई तो विकेट। तो सब चीजें किस पे टिकी, ऑन द बॉल, यानी कि जब आपको काम करना है तो कैसे करना होगा, तरीके से, जल्दी जल्दी। तो जब आप काम को क्विकली और कॉम्पिटेंट मैनर में करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑन द बॉल। यानी सब कुछ किस पर टिका हुआ, ऑन द बॉल। किस पर टिका हुआ भाई, बॉल पे, याद रहेगा। तो जब कोई आदमी बॉल के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी जल्दी जल्दी काम कर रहा है और तरीके से काम कर रहा है, भाई क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी बॉल को देख करके सारे काम कर रहा है, यानी बढ़िया कर रहा है, बस याद रख लो यार, क्या दिक्कत है, कुछ भी ट्रिक बना लो। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड आ गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। ओके, ध्यान से देखना सिचुएशन क्या दी है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अचीवमेंट, व्हाट हैव आई डन। लो भैया, ये कह रहा है मैं जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने न्यू असाइनमेंट को लेकर के, मैं एक ईमेल भेज दिया बिना रिक्वायर्ड अटैचमेंट, यानी कि जो रिक्वायर्ड थे उसके साथ में अटैच करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, उनको बिना अटैच किए, व्हाट हैव आई डन, मैं क्या कर चुका हूं। अब बताओ, अब यहां पर जो सारी सारी बातें हो रही है वो किस पर हो रही है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, और तुम इतने एक्साइटेड हो गए कि तुमने जो काम कर दिया उस पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसके लिए क्या बोलोगे बेटा जी, शो का लेग, एज स्विफ्ट एज एन ईगल, या फिर जंप्ड द गन, या फिर टेस्टेड द वाटर्स, क्या आइडियम परफेक्ट रहेगा। जब आप किसी काम को बिना सोचे विचारे कर दो, मतलब उत्तेजित इतने ज्यादा हो जाओ कि आपको ये नहीं पता मुझे करना क्या है, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटमेंट होता है ना कई बार हमारे अंदर कि बस 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 ये करना ये करना ये करना है। तो जब आप जल्दबाजी में किसी निर्णय को लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जंप द गन। क्या बोलते हैं बेटा जी, जंप द गन। अब गन से मुझे याद आया बेटा एक ईडियम होता है बिग गन, क्या होता है मेरे भाई, बिग गन। बिग गन बताओ क्या होता है, एक बड़ा अच्छा सा ईडियम होता है हमारा बिग गन, क्या होता है मेरे भाई, बिग गन, बताओ क्या कहेंगे भाई। जंप द गन तो क्लियर है यार, जंप द गन का मतलब होगा सीधा निर्णय पे पहुंचना, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, कुछ सोचना विचार नहीं, जैसे ऐसे मान लो मेरे भाई कि आपके सामने पांच लड़कियों का रिश्ता आया और पांचों के फोटो आपके पास आए और आपने कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना ताओ देखा, आपने कहा अच्छा पापा ये वाली लड़की अच्छी लग रही मेरी शादी इससे कर दो, और शादी कर दी गई। बाद में पता चला कि जिस लड़की को आपने पसंद किया वो तोतली निकली, वो कैसी निकली, वो तोतली निकली। तो ये अवस्था क्या हो, जंप टू दी गन, क्या हो गया मेरे भाई, जंप टू दी गन, आप एकदम अफरा तफरी में निर्णय ले लिए। तो ऐसी स्थिति को मेरे भाई हम क्या करने वाले हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं बेटा जंप द गन। लेकिन मैंने आपके सामने ईडियम पूछा बिग गन, और बिग गन के साथ एक वर्ड होता है बेटा जी बिग बक्स, बिग गन होता है एक वर्ड होता है मेरे भाई, बिग गन के साथ साथ एक वर्ड होता है बिग फिश, और एक ईडियम होता है बेटा मेरा बिग बक्स। तीनों ईडियम्स को ध्यान रखना, तीनों बड़े अच्छे ईडियम है, तीन ईडियम लेकर के आया हूं बेटा जी, ठीक है ना। चलो सर प्लीज जीडी के लिए पढ़ाओ बेटा, यही कंटिन्यू कर लो यार, जीडी के लिए अलग से सेशन नहीं ले पा रहा मैं, टाइम नहीं मिल पा रहा भाई। शाम का 9 बजे वाला जो द 11 मिनट शो उसे कंटिन्यू कर दो, इस शो को कंटिन्यू कर दो, हालांकि इसमें लेवल बहुत हाई है, बट बेटा जीडी तो कहां जाएगा इससे छूट के समझो भाई आप, ठीक है ना। अगर कोई इंसान समुद्र में तैरना सीख रहा है तो अब ये थोड़ी कि वो छोटे नाले में, या फिर नाला तो गलत बोल दिया, छोटे मोटे कोई रजवाहा है कोई, उसमें नहीं तैर सकता, तैर सकते हो यार। चलिए बेटा, मैंने बोला बिग गन, बिग गन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो वो बिग गन होता है। बिग फिश, बहुत बिग फिश, बड़ा व्यक्ति, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है बिग फिश, जिसकी मतलब एक तरीके से नामी गिरामी व्यक्ति। और बिग बक्स यानी बहुत बड़ी मात्रा में धन का होना, यदि कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में धन है तो वो बिग बक्स है। बिग फिश एक बड़ी मछली, बड़ी मछली का मतलब क्या है, जो किसी भी क्षेत्र में बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हो उसे बिग फिश बोलते हैं, और उसी को हम बिग गन बोलते हैं। लेकिन बिग गन का मेन मोटिव क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच ऊपर तक है,
समझ रहे, जिसकी नेता नगरी में बहुत ऊपर तक पहुंचे, अच्छी पहट है, तो उसे बोलते हैं मेरा क्या भाई, उसे बोलते हैं क्या, बिग गन। ठीक है, तो जंप टू द गन, जंप द गन यानी कि अफरा तफरी में निर्णय ले लेना। नेक्स्ट पे आ रहा हूं, नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक, बहुत बढ़िया भैया, टू फेस द म्यूजिक। एक मुझे बड़े अच्छी सी कहावत याद आ रही है, एक बार एक लड़का था, वो अपने दोस्तों के साथ शाम को पिक्चर देख करके घर पे आया। जब मूवी देख करके आया तो वो बिना बताए मूवी देखने गया था। अब घर पे आते उसने दरवाजा खटखटाया, माता जी ने दरवाजा खोला, माता जी बोली बेटा कहाँ से आ रहा है, कि माँ मैं पिक्चर देख करके आ रहा हूँ। कि कौन सी, कि माँ की ममता, पिक्चर कौन सी देखी, माँ की ममता। वो बोली बहुत बढ़िया बेटा, जाओ अपने पिता का भी प्यार देख ले, जाब एक बार अपने पिता का भी प्यार देख ले। तो पिता का प्यार देख ले, इसका क्या सेंस है कि अब पिताजी जो धुनाई करने वाले हैं बढ़िया से, उसको भी देखो। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है भैया कि अगर तुमने कोई गलती कर दी तो उसके बदले में जो आपको आलोचनाएं मिलने वाली हैं या फिर जो भी आपको परेशानियां सामना करना पड़ेगा, तो उन परेशानियों के सामना करने को बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, टू फेस द म्यूजिक। बात समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे उसको, टू फेस द म्यूजिक, यानी अपने किए की सजा भुगतना या फिर अपने गलत किए का परिणाम भुगतने को हम बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, टू फेस द म्यूजिक, बस इसी को समझ लो, टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस। अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसके जो गलत परिणाम मिल रहे हैं उन परिणाम भुगतने को हम क्या बोलते हैं, टू फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, टू फेस द म्यूजिक। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, बोलो एक बार मेरे साथ, टू फेस द म्यूजिक। बात याद रहेगी, क्या बोला आपने, टू फेस द म्यूजिक। आगे मूव करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड अवर नेक्स्ट वर्ड विल बी स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हां जी, क्या बोलेंगे, अच्छा इडियम है, एक बड़ा प्यारा इडियम है, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अच्छा इडियम है दोस्त, जिसे अच्छा बोलते हैं। कानू जी हार्दिक स्वागत है आपका। शिवम जंगल जंखेल, बेटा यही है क्लास, ये परफेक्ट क्लास है बेटा मेरे, इसमें द हाईएस्ट लेवल तक का मैं कंटेंट कैरी करूंगा, बेसिक से हाई हर तरह की बातें बेटा क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्यों परेशान हो रहा है यार, यहीं से कंटिन्यू कर दे भाई। वेल स्टिरप अ हॉर्नेट्स, जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया कि एक तरीके से बिना मतलब की परेशानियां पैदा करना, ठीक है ना, बिना मतलब की परेशानियां पैदा करने को बोलते हैं स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी प्रोवोक ट्रबल, रेसिस्ट अ फाइट, क्रिएट डाउट्स, स्कार्स अ बर्ड। तो आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर बेटा जी ए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, यानी कि किसी के पक्षी का घोंसला था, तुम बिना मतलब उसे पत्थर फेंक फेंक करके जो पक्षी को भड़का रहे हो कि वो तुम्हारे पे जो आकर के चोंच मारे, तो बस यानी प्रोवोक ट्रबल, बिना मतलब उकसा रहे हो किसी को। अब प्रोवोक जानते हो, प्रोवोक से मुझे बातें याद आ गई, एक वर्ड पढ़ाया था आपको प्रोवोक, एक पढ़ाया था इवोक और एक पढ़ाया था भैया रिवोक, तीनों याद आ रहे हैं बेटा, नहीं आ रहे जल्दी बताओ, देखो कौन बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, अरे बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर प्रोवोक यानी भड़काना, क्या होगा भड़काना, इवोक यानी कि भैया जगाना, और रिवोक यानी कि वापस लेना, रिवोक सिंपली मीन्स वापस लेना, समझ रहे हैं, यदि आप अपनी जबान से पलट जाते हो तो उसे बोलते हैं रिवोक, अगर आप अपनी जबान से पलट जाते हो तो वो किसका पार्ट है, वो रिवोक का पार्ट। प्रवोक आपने किसी को उकसा दिया, भड़का दिया, समझ रहे हैं, कानों में मतलब एक तरीके से जहर घोल दिया आपने, तो वो क्या, वो प्रवोक है। आपने किसी को नींद से जगाया, आपने किसी को मोटिवेट किया कि यार तू कर सकता है भाई, वैकेंसी सिर पे है बिल्कुल, कर कर कर, तो वो क्या बेटा, वो इवोक का पार्ट है। तो सारी चीजें ध्यान रखना, चलो बहुत बढ़िया, बराबर मैं आपको जो है रिविजन भी कराता चल रहा हूं। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मींस, लियो भैया बात बिल्कुल आसानी पर आ गई, अब आपसे पूछ रहा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बताओ क्या कहोगे। हाँ बेटा क्या बोलोगे, कुत्ते बिल्ली बारिश हो ना, कि आसमान से सर एक कुत्ता टपक गया, फिर इधर से सर एक बिल्ली टपकी, फिर उन दोनों में से लड़ाई हुई, दोनों भाग गए। नहीं नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का बड़ा प्यारा सा मीनिंग होता है, देखता हूँ कौन बच्चा आंसर करेगा, बताओ जल्दी से। हाँ जी क्या कहेंगे, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जल्दी बताओ, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का सिंपल मीनिंग होता है बेटा जी मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होने को हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि इट इज रेनिंग
वेरी हैवीली, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, तेज बारिश हो रही हो, तो उसी बारिश को क्या नाम दिया जाता है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. क्या मेरे भाई? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. डन. चलो आसानी से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स. बड़ा अच्छा आइडिया है भैया, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स. बुल जानते हो, सांड, सांड, उसको जो हॉर्न उसके सींगों के द्वारा लेना. जैसे आप में से कितने बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली में जो भल्लाल देव थे, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा भल्लाल देव का इंट्रोडक्शन कैसे दिखाया गया, यूं चादर सी हटती है और बड़ा हैवी सा शरीर उनका दिखाया गया, बॉडी बिल्डर सा, और वो यूं करके जो बुल के साथ में लड़ाई लड़ रहे होते हैं. तो वो जो ये चीजें कर रहे थे वो क्या है? टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स. क्या था? टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि मुसीबत का डट के सामना करना और सीधा सामना करना. समझ रहे? अगर किसी मुसीबत का एकदम डट के और सामने, आमने सामने, बिल्कुल सीधा सीधा सामना किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स. यानी कि वियरिंग अ स्कल कैप, नहीं भैया. टू डेसिपिटेट अ बुल, नहीं भैया जी. इसमें एक अच्छा वर्ड है बीफ. कोई बच्चा जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीफ? हाँ, क्या कहोगे? बीफ जानते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. क्या कहोगे बेटा? बीफ जानते हो? बीफ को समझाते हो, देखो काओ होती है, काओ से ही बुल होता है और बुल से ही ओक्स होता है. तीनों गोवंश हैं. तीनों क्या है? गोवंश हैं. गाय का ही अंश. ओक्स का प्लरल याद रखना बेटा, ऑक्सन. क्या होता है ओक्स? ऑक्सन. जहां गाय रहती है उसे क्या बोलते हैं? शेड. ये भी ध्यान रखना, अ प्लेस वेयर काउ लिव इन इज सो कॉल्ड शेड. शेड यानी कि छप्पर. ठीक है, अब ध्यान रखो, जो गोवंश का मांस होता है, गोमांस, उसे बोलते हैं बेटा बीफ. उसे क्या बोलते हैं बेटा? बीफ, यानी कि मीट ऑफ अ काउ, बुल और ऑक्स इज सो कॉल्ड बीफ. क्या बोलेंगे मेरे भाई? बीफ. समझ रहे? जो गोवंश का मांस होता है ना उसे बोलते हैं बीफ. अभी आपको याद आ रहा होगा 2017 के अंदर संसद में बहुत बड़ा इशू बन गया था बीफ को लेकर के. हर एक सांसद विधायक इसी बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे. तो बीफ को ध्यान रखना. अब बीफ तो चलो गोमांस हो गया. अब गोमांस के अलावा मान के चलो भैया मुर्गे का हुआ, कोक का, तो हर एक बच्चा जानता है सर चिकन होता है. क्या होता है? चिकन होता है भैया. मुर्गे का नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ बकरी का है, गोट का, गोट का है, या फिर शीप का है, बकरे का है या बकरी का, तो उसे बोलते हैं बेटा जी मटन. क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं मटन. इसी प्रकार से चलो मान लेते हैं गाय का नहीं है भाई, सुअर का है, पिग का, पिग. जहां सुअर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टे, एसटीवाई स्टाई. और जो सुअर का मांस होता है उसे क्या बोलते हैं? पोर्क, पी ओ आर के, पोर्क. ध्यान रखना, मीट ऑफ पिग इज सो कॉल्ड पोर्क. इसी प्रकार से अगर मान के चलो बेटा हिरन का है, डियर का, डीई डियर, तो उसे क्या बोलते हैं? वेनिसन, वीई एन एच आई, वेनिसन. वेनिसन का मतलब होता है जो सुअर का मांस होता है. इसी प्रकार से अगर कोई मीट है और मीट बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है जिसे हम कीमा बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिंस. क्या बोलते हैं मेरे भाई? मिंस. मिंस का मतलब क्या होता है? कीमा. मिंस का मतलब क्या होता है? कीमा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, टू कट अप मीट इन अ वेरी स्मॉल पीसेज इज सो कॉल्ड मिंस. कीमा हो गया. इसी प्रकार से मांस है और वो बड़ा सड़ा हुआ मांस है, डेड एंड डिकिंग फ्लैश ऑफ एनिमल इज सो कॉल्ड, बताओ क्या कहेंगे उसको? इसी प्रकार से मुझे याद आया कोई मृत जानवर है और उसके जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई, तो उसे क्या बोलेंगे? कैरकेस. क्या बोलेंगे? कैरकेस, डेड बॉडी ऑफ एनिमल. इसी प्रकार से किसी मनुष्य का शरीर है जिसे हम शव बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं इसमें? कॉर्प्स. कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी कि शव, जिसे हम हिंदी में लाश भी बोल देते हैं कई बार. लाश यानी कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मृत शरीर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्प्स बोलते हैं. तो सारी की सारी बातों को ध्यान रखना. ठीक है, वेनिशन हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, पोर्क हो गया, सब बेटा मांस के नाम है. आपको सभी याद होने चाहिए दोस्त, वरना दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, चलो. वेल, मैं बात करूं टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि किसी मुसीबत को डट के सामना करना और सामने टू सामने सामना करना, मतलब आमने सामने सीधा भिड़ गए आप बिना कुछ सोचे समझे. तो क्या? टू मेकिंग अ स्टूपिड, नहीं, बट टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मीन्स. चलो ठीक है जी, आगे मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टॉप्ड वर्किंग. चलो जी देखें क्या कहने चाह रहा है, बताओ. हाँ जी, क्या कहेंगे? द पीजेंट्स वर्क द होल डे इन द फील्ड एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट टू देयर होम. तो गिव इट अ व्हर्ल, पुट आइस ऑन इट, रन राउंड इन सर्किल, कॉल्ड इट अ डे. सिंपल, जो पढ़ा के हैं बेटा, जो पढ़ा के हैं वही वर्क है आपके सामने, मतलब वही इडियम आ गया. पहले बताओ पीजेंट्स का मतलब क्या होता है?
सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही उठ रहा होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजेंट्स? पीजेंट्स का मतलब होता है बेटा जी देहाती लोग। पीजेंट्स क्या होता है? देहाती लोग। अब देखो, जो देहाती लोग हैं उन्होंने पूरा दिन काम किया खेतों में, फील्ड्स का मतलब खेतों में, और उन्होंने उस काम को रोक दिया शाम को और वो अपने घर चले गए। अब आपने देखा स्टॉप्ड वर्किंग, आपने उस काम को रोक दिया और वो अपने घर चले गए, तो रोकने को क्या बोलते हैं? कॉल इट अ डे। क्या बोलते हैं? कॉल इट अ डे। अभी पढ़ा करके आया हूं, क्या बोलेंगे मेरे भाई? कॉल इट अ डे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कॉल इट अ डे। समझ रहे? कॉल इट अ डे। चलो और देखो, एक बड़ा अच्छा सा ऑर्डर है, सर्किल। अगर कोई चीज घुमावदार है यू, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसे बोलते हैं सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस, ठीक है, ध्यान रखना, सर्क्यूटियस यानी घुमावदार। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट। अपोजिट क्या होगा आपका? स्ट्रेट, एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट। घुमावदार का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा। ठीक है, सर्क्यूटियस को भी ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो यार वीडियो को, मुझे अच्छा लगेगा भाई। मेरी तरफ से कोई मेहनत में कमी है तो मत करना भाई, लेकिन यदि मेरी तरफ से मेहनत आपको ईमानदारी से दिख रही है कि हाँ सर आप लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, आप हमारे लिए पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, तो बेटा फिर तो लाइक बनता है यार, फिर तो लाइक बनता है भाई। कर दो यार एक बार लाइक, मुझे अच्छा लगेगा दोस्त। वेल, लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द क्लाउड। हाँ जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द क्लाउड। क्या कहेंगे अंडर द क्लाउड? हाँ जी, क्या कहने वाले हैं अंडर द क्लाउड? बताओ जल्दी से, अंडर द क्लाउड। हाँ बिल्कुल, एंटोनिम्स रेनिम मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, आई एडोर यू सर नितिन कुमार, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। अंडर द क्लाउड, देखो अंडर द क्लाउड जैसे ही आपको देखने को मिला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यानी शक के घेरे में। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है शक के घेरे में। अब क्वेश्चन को देखो किस लेवल पर घुमाया गया है। ये कह रहा था क्लासमेट्स वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन। बहुत बढ़िया भैया, इसका क्या मतलब है यार? कुछ नहीं मतलब निकला। द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पेंशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड इन हिज कार। बिल्कुल आंसर आपका यही होगा। आप देखना कि जो ड्राइवर था उस पर शक हुआ जब पुलिस ने पाया उसकी गाड़ी के अंदर खून। भाई गाड़ी के अंदर खून के निशान थे तो पुलिस को उससे क्या, उस पर शक हुआ, और शक के घेरे में होने को हम क्या बोलते हैं? अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड, यदि आपको किसी पर शक है तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर अंडर द क्लाउड। ठीक है, ही वॉज बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर द, गलत हो गया, द रेड फोर्ट गलत मतलब ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस इन अ ब्लू मून, बड़ा अच्छा आंसर है बेटा, बड़ा सिंपल सा आइडियम है, जल्दी बताओ। वंस इन अ ब्लू मून, हां जी, वंस इन अ ब्लू मून, क्या कहेंगे आप? वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, क्या कहोगे? वंस इन अ ब्लू मून यानी कि ईद का चांद होना। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा कभी कभी आता हो, या फिर जो कोई वस्तु या कोई इवेंट जो बिल्कुल कभी कभी होता हो, उसे बोलते हैं बेटा वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ईद का चांद होना, यानी वेरी रेयर। क्या होगा बेटा? वेरी रेयर, एक वर्ड समझना। आंसर तो हो गया वेरी रेयर, लेकिन एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन, एंशियंट सिंपली मींस प्राचीन, और प्राचीन को आप क्या बोलते हैं? एंटीक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एंटीक, ध्यान रखना। एंटीक सिंपली मींस प्राचीन, एंटीक का सिंपली मींस क्या होता है? प्राचीन। अब यहां से आपको एक ध्यान रखना है बातें कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्राचीन चीजों को यानी हिस्ट्री से जुड़ी चीजों को इकट्ठा करे, उनको सेल करे, उन पर रिसर्च करे, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन। क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन, क्यू यू ए आर आई ए एन, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन अ पर्सन हु सेल्स एंड कलेक्ट्स आर्टिकल्स रिलेटेड टू पास्ट एंड रिलेटेड टू हिस्ट्री। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? एंटीक्वेरियन बोलते हैं। सुभाष देव, स्वागत है बेटा आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? वेरी रेयर। कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी कभी कभार होती है, उसे बोलेंगे आप बेटा जी क्या? वंस इन अ ब्लू मून। क्या बोलेंगे? वंस इन अ ब्लू मून। अब ब्लू मून से मुझे दो बातें याद आई। एक बड़ा सिंपल सा आइडियम होता है एप्पल ऑफ वन साइज, सब बच्चे जानते होंगे एप्पल ऑफ वन साइज। ठीक है, फिर मैंने एक और वर्ड देखा एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, फिर मैंने एक और बोला एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और एक और ईडियम मैंने पाया, मैंने बोला एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। और फिर यहीं से एक और ईडियम हमारा निकल करके आता है एडम्स एल, एडम्स एल।
हाँ जी, इन पांचों इडियम्स को आप बता पाएंगे क्या? पांचों बिल्कुल प्यारे प्यारे इजी इजी से हैं। एंटीक्वेरियन, बिल्कुल बेटा गीता कुमारी, गुड। हाँ जी, पांचों इडियम्स को बता पाएगा क्या कोई बच्चा? देखो, एप्पल ऑफ वन साइज यानी आंख का तारा, बहुत प्यारा, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर यानी इन परफेक्ट ऑर्डर, ये भी अभी सीजीएल 2023 में आया हुआ है, अभी आएगा आगे चल के। एप्पल पाई ऑर्डर यानी एकदम व्यवस्थित तरीके से होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि मेन कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड यानी फसाद की जड़, झगड़े की जड़। एडम्स एडम्स एप्पल यानी कि आपका कंठ, गला, थ्रोट। और एडम्स एल यानी कि प्योर वाटर, प्योर वाटर, ध्यान रखना। एडम्स एल यानी कि शुद्ध जल, शुद्ध जल। और एडम्स एप्पल यानी कि जो हमारा कंठ, देखो ये जो गला होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में दोस्त एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो पोर्शन है गले का, इसे आप क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल। क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल। और जो शुद्ध जल होता है उसे बोलते हैं एडम्स एल। तो इन सभी इडियम्स को आप ध्यान रखें। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि जो कभी कभाक होता हो, जो यदा कदा होने वाली चीजें होती है, उनको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? चलो जी, तो वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयर, जो कभी कभाक होता हो, रेयरली होती है चीजें। और जो कभी कभाक होती है उनके लिए और इडियम क्या आ सकते हैं? चलो बताइएगा आप मुझे कॉमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट स्टॉर्म। हाँ, अगर मैं कह दूं आई स्टॉर्म इन अ टीकप तो आप समझ गए, आप बोले सर पढ़ा के तो आए हो। अगर मैं स्टॉर्म को बोल दूं आई स्टॉर्म इन अ टीकप, क्या कहेंगे बेटा जी? इसी इडियम को क्या कहेंगे? आई स्टॉर्म इन अ टीकप। और मैंने बोला अ परफेक्ट स्टॉर्म, आप बोलोगे सर ये कौन सी बात कही, स्टॉर्म कब से मतलब जो है परफेक्ट होने लगे? आप बोलोगे सर स्टॉर्म का मतलब है तूफान, प्रलय। अब प्रलय भी परफेक्ट होने लगे, वाह जी वाह। तो बेटा सुनो मेरी बात, परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब हो गया सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति, कि वाह भाई अब मजा आ रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे आज भी कुछ एक बात याद आ रही है, आज से लगभग साढ़े चार साल की पहले की बात है भाई, लॉकडाउन के दौरान। हाँ, लॉकडाउन था उस दौरान, एक इमरजेंसी कंडीशन के दौरान हम एक दोस्त की गाड़ी लेकर के रवाना हुए नाइट में, इमरजेंसी थी। दोस्त की गाड़ी बड़ी पुरानी थी, अब दोस्त की गाड़ी पुरानी थी, हम रवाना हुए और हॉस्पिटल जाना था, लगभग हॉस्पिटल 10-12 किलोमीटर दूर था। आधे रास्ते में जाके गाड़ी बंद हो गई, तो हम बोले कि अब ठीक है भाई, अब ये सबसे खराब स्थिति हो गई कि एक तो कोरोना का प्रकोप, ऊपर से रात का टाइम, और तीसरी बात पेशेंट साथ में, और चौथी बात गाड़ी खराब हो गई। तो ये क्या स्थिति हुई? एक परफेक्ट स्टॉर्म हो, यानी कि सबसे ज्यादा जो कंडीशन है उसको आप परफेक्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो वर्स्ट कंडीशन है, बद से बदतर जो स्थिति है, उसको हम परफेक्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो अवर आंसर विल बी द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, वर्स्ट, सबसे बेकार, सबसे दयनीय स्थिति जो संभव है, अगर वो स्थिति आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्टॉर्म। ध्यान रखना जीवन में, जब जब सबसे खराब स्थिति पे आप जब खड़े हो जाओ कि लो भाई इससे बुरा तो कुछ अब हो ही नहीं सकता, वो है मेरे भाई परफेक्ट स्टॉर्म। क्या है मेरे भाई? वो है आपके लिए परफेक्ट स्टॉर्म। क्या हो गया दोस्त आपका? परफेक्ट स्टॉर्म, गॉट इट। और आई स्टॉर्म इन अ टीकप आपको पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब क्या होगा? मेक अ माउंटेन, टू मेक अ माउंटेन, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ऑफ अ मोल हिल, ऑफ अ मोल हिल, यानी जब आप बात का बतंगड़ बनाए, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे, टू मेक अ बिग फिश ऑन अ वेरी शॉर्ट इवेंट और शॉर्ट इश्यू, उसे बोलते हैं बेटा टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, और सारे बच्चे नियम बना लो, जैसे कल एसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया, अगली बार जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर आपका आना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। बढ़िया वाला कंटेंट की आवश्यकता है आपको, डेली शाम को सही 5 बजते ही बेटा आना है, कुछ भी हो जाए अलार्म लगा लो शाम 5 बजे की, लेकिन आना है। और आज रात सही 9 बजे 9 PM द 11 मिनट शो आएगा भाई, वीडियोज वाले सेक्शन में आपको मिलेगा देखने को, क्या द 11 मिनट शो, इस शो को मिस मत कर देना, ना मैं होने दूंगा, अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा इस शो को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये शो आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा। 11 मिनट हर दिन देते रहना मुझे, आपको वोकैब्स दूंगा पर डे, 33 वोकैब्स क्लियर करूंगा मात्र 11 मिनट में, सुपर फास्ट तरीके से। तो बेटा ईमानदारी से मेहनत करो यार, कुछ भी हो अब की बार सिलेक्शन लेना,
क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये मंजिल पहाड़ है ना, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद। चलो जी, ये सारी बातें हो गई और आगे मूव कर रहा हूं भाई। तो स्टॉर्म इन अ टीकप का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना। चलो जी, आगे बैड ब्लड। बैड ब्लड तो आप सारे बच्चे जानते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक अच्छी सी गुड न्यूज दे दूं भाई कि ये जो आज मेरी बुक्स है ना, ये जो बेटा जी आज मेरी बुक्स है, इन पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आज सेल है मेरे भाई। जो भी बच्चा अपना ऐसा है जिसने अभी तक इन दोनों बुक्स का फायदा नहीं उठाया, लाभ नहीं लिया, जिसने इन्हें ऑर्डर ना किया, कर देना भाई, वरना फंस जाओगे। इसमें ऐसा क्या है कि जो मैं अलग से कहता हूं तो वजह बताता हूं। देखो, ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है, एक एक चीज को मैंने अपने हाथ से लिख रखा है। आप खुद से देखो, देखो एक बार खुद से, आप खुद से महसूस अगर करो कि हाँ सर इस लायक है कि हमें ऑर्डर करने चाहिए, तो बेटा कर देना आज। आज जितना कम प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप खुद से पढ़िए एक बार, देखो इसमें कौन सा टॉपिक है, आप खुद से देख सकते हैं। टॉपिक है मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और देखो किस लेवल पर चीजें तोड़ी गई है। हर चीज को मैंने मेंशन किया, छोटी से छोटी बातें, बारीक से बारीक बातें मैंने खुल करके इसमें ली हैं। और हर एक टॉपिक को, ऐसा नहीं एक दो टॉपिक, हर एक टॉपिक को मैंने इसमें पूरा कवर किया है। अपने हाथ से लिख लिख करके एक एक चीज मैंने कवर की है। ये किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं लिखे गए, ये सब कुछ मेरे खुद के हाथ से लिखा हुआ कॉन्टेंट है। देखिए आप खुद से, टेंस देखो, आप खुद से देख सकते हैं। टेंस समझ में आ रहा है कुछ? देखो थोड़ा सा, डेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, टाइम एंड टेंस की बातें हो रही है। टाइम 3 प्रकार के, एक्शन 4 प्रकार के, तो 12 टेंस बने, कैसे बने, क्यों बने, हर चीज को देखो मैंने खोल खोल करके लिखा हुआ है भाई, हिंदी में नोट डाल डाल करके। जैसे मैंने लिया, टेंस इज अ कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ वर्ब्स दैट टेल्स अबाउट एनी एक्शन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझ रहे? देखो, टेंस किसी कार्य को समय व्यवस्था प्रदान करता है, टेंस किसी वाक्य को स्ट्रक्चर देता है, टेंस क्रिया का वह रूप कहलाता है जो किसी कार्य है घटना के समय का। तो मतलब हर एक चीज को मेरे भाई मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, हर चीज को, एक एक चीज को, ताकि आपका टाइम बचे, एनर्जी बचे और आप ज्यादा ज्यादा सीख सको। जैसे ही आप इससे पढ़ते हो, मान के चलो आपने इससे एक चैप्टर तैयार किया, तुरंत आप उस चैप्टर को बेटा ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक में आएंगे मेरी में। यहां पे जैसे आपने खोला तो आपने चैप्टर ओपन किया, देखो ये मेरा पहला चैप्टर दिखा है मैंने नाउन। सबसे पहले आपको मिले बेसिक क्वेश्चन, देख रहे हो, देखो खुद से देखो भाई, ये है मेरे दोस्त बेसिक क्वेश्चंस आपके। ये बेसिक क्वेश्चन हुए पहले 25, फिर आपके एवरेज क्वेश्चंस हुए, एवरेज लेवल वाले, फिर से 25 क्वेश्चन आपने क्लियर किए। फिर आप आगे आए तो आपने देखा ये है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। फिर मिसलेनियस आने शुरू हुए, मिसलेनियस की फर्स्ट एक्सरसाइज 50 क्वेश्चंस की, फिर से एक और एक्सरसाइज है दोस्त, फिर से एक और एक्सरसाइज, और फिर से एक और एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज मिसलेनियस के होने के बाद फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा। देखो डेट के साथ ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने डेट भी डाली, सीजीएल टायर फर्स्ट 19/6/2011 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी नाउन के क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको नाउन चैप्टर में ही मिलेंगे। कब तक के भाई? 2022 तक के। देखो ये रहा सीजीएल टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था आपका 19 जनवरी 2022 में, उसका क्वेश्चन आपका नाउन का मैंने यहाँ पे डालो। सबके A to Z हिंदी मैंने सोल्यूशन आपको दिए, हर एक क्वेश्चन का हिंदी में डिटेल सॉल्यूशन। फिर ऐसे ही सेकंड चैप्टर, तो ये तो पूरी ग्रामर हो गई। फिर आप जब वोकैब्स पाओगे, वोकैब्स को भी देखो, आपको मजा आ जाएगा भाई, मैं वादा करता हूं आपसे। कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं रह सकता जो ये कह दे कि सर ये बुक मेरे पास थी, मैंने पढ़ी, मैंने इसको कंप्लीट किया और मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आई। देखो एंटोनिम सिनोनिम देखो तो सही, आप खुद से महसूस करो। एक ये वर्ड है हमारा, इस वर्ड के देखो कितने सैकड़ों मैंने एंटोनिम आपको दिए, सैकड़ों सिनोनिम दिए, सबकी हिंदी मैंने लिखी, ट्रिक इसकी मैंने लिखी। क्यों लिखी? ताकि आप समझ पाओ। एक शब्द से एक शब्द याद करोगे कभी तैयार नहीं हो सकते, जब एक शब्द से सैकड़ों शब्द बनाओगे तभी तो मजा आएगा। ऐसी वन वर्ड पे आओगे आप, वन वर्ड पूरा डे वाइज आपको मिलेगा। ये पूरा डे वाइज है, देखो ये डे वाइज शुरू हो जाता है, डे 3 है ये, 10 एंटोनिम्स एनोनिम्स आपने ट्री से याद किए, फिर इसकी एक्सरसाइज आपने यहीं पे प्रैक्टिस कर ली। यानी बुक आपको खुद बोलेगी आपको पढ़ना क्या है, कितना है भाई। सोचना आपका होगा, फैसला आपका होगा, सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। अभी भी मेहनत नहीं की तो भाई 2024 भी ऐसे ही निकल जाएगी जैसे तुम्हारी 2023 गई है। कहां मिलेगी? अड्डा स्टोर पर जाकर के, अड्डा स्टोर पर जाकर के बुक्स की कैटेगरी में चले जाना। जैसे ही बुक्स की कैटेगरी में जाओगे आपको तुरंत ये कॉम्बो दिख जाएगा, अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस पर है। देखो ये रहा हमारा कॉम्बो, ये रहा दोस्त हमारा कॉम्बो, ये दोनों जो मेरी बुक्स हैं, नोट्स भी और बुक भी, ठीक है। कितने की है? 479 की, लेकिन कूपन कोड जरूर लगा लेना भाई, क्या है, Y795S। जैसे ही लगाओगे मात्र 467 रुपए में आपके घर पहुंचेंगे दोनों बुक्स। ध्यान से सुन लो, घर पहुंचेंगे इस प्राइस में। इसके अलावा तुम्हें 1 रुपया नहीं देना, इसमें डिलीवरी चार्ज भी, बाकी सभी चार्जेस ऐड हैं। कब? जब आपने Y795S लगाया तब। कितने रुपए की पड़ी भाई? 467 रुपीज में आपके घर पहुंचेंगी दोनों बुक्स।
और गारंटी दे रहा हूं, प्री प्लस मेंस का कंटेंट है। 3 साल लगे मुझे इनको लिखने में, इसको तैयार करने में, और मेरा करियर है 7 साल का भाई। 7 साल के करियर में जो अभी लास्ट 3 ईयर्स थे मैंने अपनी बुक को दिए, इसको मैंने 90% टाइप भी खुद किया है अपनी बुक को, ताकि मैं एरर फ्री इसको बना सकूं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। पूरे नोट्स मैंने अपने हाथ से लिखे ताकि आपको चीजें आसानी से समझा सकूं। जिस बच्चे के पास भी पहुंचे हैं ना, वास्तव में मुझे आज भी मुझे थैंक्स करते हैं बच्चे बुक के लिए, क्योंकि मैंने जो अपनी बुक बनाई वो अपनी फीलिंग्स लिखी, एक एक चीज को उस भाषा में लिखा जो एक बच्चे को चाहिए, हर एक पॉइंट को हिंदी में मेंशन किया, पूरा सॉल्यूशन मैंने हिंदी में आपके लिए दिया, ठीक है ना भाई। फैसला आप ही का होगा। अब भी नहीं पढ़ रहे तो फिर वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर कुछ हो नहीं सकता। 2023 जैसी निकली वैसी तुम्हारी 2024 भी जानी है, अगर आपने चेंजेस नहीं किए तो। अगर वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला तो वो करो जो आज तक नहीं किया, वरना मेरे भाई पहले भी बेरोजगार थे, आगे भी बेरोजगार रहोगे। वैकेंसीज पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलना जाना, आप यूं ही रह जाओगे जैसे अभी हो। आपने अपनी ये वाली दिवाली देख ली, आपकी दिवाली कैसी बनी, ऐसी तुम्हारी होली बन जाएगी, सूखे सूखे बिना पैसों के। लेकिन बेटर ये रहे कि ये कोई परमानेंट ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी आपकी रहेगी। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया टाइम का और थोड़ी एनर्जी का, तो बेटा आपके जैसा कोई नहीं है। हर कोई आपका एग्जांपल देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। और इन्वेस्टमेंट किसका करना है, सबसे ज्यादा टाइम का, सबसे ज्यादा अपने ऊपर एनर्जी लगाओ, अपनी पढ़ाई पर एनर्जी लगाओ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा कॉन्टेंट आप कैरी करो, 100% सफलता मिलेगी, ठीक है जी। बाकी फैसला आपका होगा। जो बच्चा हमारे पेड कोर्सेज में आना चाहता है, अभी मेरा परसों से ही बैच शुरू हुआ है वो कैब्स का, जो कि हमारा अभी 24 नवंबर से बैच शुरू हुआ था ना CGL CHSL फाउंडेशन, उसमें वो कैब्स कल से ही शुरू हुई है, ठीक है। तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। डिस्काउंट कोड क्या लगाना भैया, Y795 कोर्स के लिए। बुक के लिए क्या लगाना दोस्त, Y795S, ठीक है जी। ये बच्चे अप्लाई कर देना और जुड़ जाइएगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखने, अपनों का ध्यान रखना। माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे इंसान बने। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।